गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बात आइए अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ एशिया की अजीम दीनी इस्लामी दरसगाह मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद के मायनाज उस्ताज हदीस हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मारूफ़ी साहब मद्दज़िल्लुल आली उस्ताज तख़स्सुस फ़िल हदीस दारुल उलूम देवबंद की खिदमत आलिया में पहुँचकर मैं ये उनका तारुफ़ अलमुख्तसर इस अंदाज़ में करने की जसारत कर रहा हूँ कि मैं वो हूँ कि अक़्लो नक़ल का दरिया कहें जिसे, मैं वो हूँ अक़्लो नक़ल का दरिया कहें जिसे, हर फ़न में साहिब यदे तूला कहें जिसे। हज़रात आइए अब हमारे सामने हमारे आज के मेहमान खुसूसी हज़रत अक़दस हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है। हम सब बग़ौर उनकी बातों को और उनके मवाइज़ हसना को सुनकर उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم। محترم و مکرم حضرات علماء کرام, معزز بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں और माँओं और बहनों और बेटियों, ये आज का जलसा एक दीनी जलसा है और मौका ब मौका इस तरह के इज्तिमाआत मुनाकिद किए जाते हैं, इसलिए ताकि हम लोग अपने असली मकसद को याद करें और मकसद से अगर हम लोग दूर हो रहे हों तो मकसद की तरफ आने की फ़िक्र करें। मेरे भाइयों और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों, हमें आज की इस मजलिस में ये देखना और ये सोचना है कि आखिर हमको पैदा क्यों किया गया है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। जाहिर है कि हम कोई भी काम करते हैं, छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर काम का कोई मकसद होता है, बगैर मकसद के कोई काम नहीं करते हैं। अल्लाह पाक जो हकीम हैं, जिनका कोई काम हिकमत से खाली नहीं, भला वो अशरफुल मखलूक़ात तमाम इंसानों में तमाम मखलूक़ात में सबसे शरीफ तरीन मुअज़्ज़ज़ मखलूक हज़रत इंसान को अल्लाह ने जो पैदा किया है तो ज़रूर किसी बड़े और अज़ीम मकसद के लिए उसने पैदा किया। वो मकसद क्या है? इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकसद को ज़िक्र फरमाया है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी मानकर चलें, मेरी मानकर ज़िंदगी गुजारें। अपनी मनमानी ना करें। जो उनका दिल, उनका नफ्स और उनका मन जिधर ले जाए उधर को ना बहकें। ये देखें कि मैं उनसे क्या चाहता हूँ, मैं उनसे जो चाहता हूँ उस पर, उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। इबादत के वास्ते, बंदगी के वास्ते अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। आमतौर से इसका तर्जमा और इसका मतलब लोग बयान यही करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमने, अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। और इबादत का मफहूम एक मखसूस नमाज, रोज़ा, हज, बस इस हद तक गोया हमने महदूद किया हुआ है। इबादत एक बहुत मफहूम, अपने अंदर बहुत वुसअत माना रखता है, बहुत वसी माना रखता है। इबादत के माने आते हैं बंदगी, गुलामी। बंदगी और गुलामी की हकीकत समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए, आजकल के ज़माने में तो गुलाम बांदी नहीं होते, लेकिन एक ज़माना था कि गुलामी का रिवाज था और एक इंसान दूसरे इंसान का मालिक हो जाता था। जैसे गाय भैंस का आदमी मालिक हो जाता है, बकरी का मालिक हो जाता है और उनको इस्तेमाल करता है, बेच करके उसकी कीमत बना लेता है। तो इस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान की मिल्कियत में आ जाता था। अब जो ग़ुलाम बन गया किसी भी वजह से, तो उस ग़ुलाम की कोई अपनी ज़िंदगी नहीं होती थी, उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, वो अपने आका और अपने मालिक के का ताबेदार होता था। उसका काम क्या है? जो मालिक उसको खाने को दे उसे खा ले, जो पहनने को दे वो पहन ले, जो रहने के लिए जगह मुतय्यन करे वहीं रहे, और जो काम बताए वो काम अच्छी तरह ढंग से अंजाम दे। ये है ग़ुलाम का काम। अपने मालिक के ऊपर कोई एतराज़ ना करे कि खुद तो बड़ा बढ़िया अच्छा खाता है, हमें ख़राब खिलाता है, खुद तो बहुत आलीशान कोठी में और महल में रहता है, मुझे झोपड़ी में रखता है, खुद तो बहुत उम्दा लिबास पहनता है और मुझे मामूली घटिया फटे लिबास देता है। नहीं नहीं, ग़ुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। ग़ुलाम को उसके मालिक और उसके आका की जानिब से जो मिल जाता उस पर वो सब्र और शुक्र, ये ग़ुलाम की शान होती थी। अल्लाह अकबर, अजीब बात है। ग़ुलाम अगर अपनी ग़ुलामी में पक्का होता था तो एक वक्त वो भी आता है कि ग़ुलाम अपने मालिक के पेट में उतर जाता है और उसकी आंखों का तारा बन जाता है। क्यों? आका के दिल में जब ये बात आएगी कि ये बड़ा अच्छा ग़ुलाम है, मेरी तरफ से जो भी मिलता है उसे खुशी खुशी कबूल कर लेता है, मेरे ऊपर कोई एतराज़ नहीं करता, मेरा बड़ा मुखलिस और खैर ख्वाह है। कोई भी नौबत आती है, किसी से झगड़ा होता है, किसी से कोई बात आती है तो एकदम मेरी हिमायत में आ जाता है, जान देने के लिए तैयार होता है। अपनी इसकी कोई मर्जी नहीं, हमसे कोई मुतालबा नहीं, जो काम मैं इससे कहता हूँ बड़े अच्छे अंदाज से वो काम अंजाम देता है। तो जब मालिक के दिल में ग़ुलाम के ताल्लुक़ से ये बात आती है तो मालिक उस ग़ुलाम से महब्बत करने लगता है। कहाँ वो ममलूक था, कहाँ वो उसकी मिल्कियत था, और अब ये हो गया कि ग़ुलाम उसके पेट में उतर जाता है और कोई बड़ा से बड़ा काम जब आका के सामने आता है तो ग़ुलाम से मशवरा करता है कि बेटे क्या राय है तुम्हारी इस सिलसिले में। हमने महमूद और अयाज के किस्से सुने हैं। अयाज एक ग़ुलाम ही थे, महमूद बादशाह हैं, लेकिन महमूद ने, अयाज ने अपने आका की मालिक, यानी चूँकि ज़हीन भी थे, समझदार भी थे और अपने आका के इंतहाई दर्जा खैर ख्वाह थे। नतीजा ये होता था कि अपनी हुकूमत में महमूद कोई बड़ा फैसला करते नहीं थे जब तक कि वो अपने ग़ुलाम अयाज से मशवरा नहीं कर लिया करते थे। आखिर क्या बात है? बात यही है कि बंदा जब बंदगी में, ग़ुलाम जब ग़ुलामी में पक्का होता है तो अपने आका और अपने मालिक की आंख का तारा बन जाता है, चहीता बन जाता है। लोग लाख मुखालफत करें लेकिन वो उसको चूंकि अपना खैर ख्वाह समझता है, लिहाजा जब कभी नवाजने की बारी आती है तो खुल करके उसको नवाजा जाता है। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद है बंदगी, अपनी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए और पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद, जवान होने तक, बूढ़े होने तक अल्लाह पाक ने, हमारे खालिक ने हमारे लिए जितनी ज़रूरतें ज़रूरी थीं, जितनी चीज़ें ज़रूरी थीं, अल्लाह ने मुफ्त हमें फराहम किया। माँ बाप के दिलों के अंदर ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा दी, ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा दी कि उन्होंने रात की किस चैन और सुकून को कुर्बान कर दिया। ऐसी मोहब्बत फरमा दी माँ बाप के दिलों के अंदर कि वो हमारी हर जरूरत, अपने आधी रोटी खा लें, फाका कर लें, लेकिन हमें खिला करके जब तक हमें खिला नहीं लेते हैं उन्हें नींद नहीं आती है, उन्हें सुकून नहीं नसीब होता। जिस हाल में हैं, जितने में हैं, अपनी औलाद के लिए वो सारा जतन करने के लिए तैयार होते हैं। आखिर ये मोहब्बत किसने डाली है? ये उस खालिक व मालिक ने वालिदैन के दिलों के अंदर ये मोहब्बत डाली है कि हम लाचार और मजबूर थे और कोई भी हमारा नहीं था, वालिदैन को अल्लाह ने हमारे लिए खड़ा कर दिया और उन्होंने अपनी तमाम तर जान, माल और सब कुछ की कुर्बानी दे करके उन्होंने हमें खड़ा किया और मरते दम तक उन्हें ये ख्वाहिश होती है, उनकी ये तमन्ना होती है कि मेरी औलाद बाइज्जत जिंदगी गुजारे। जितनी ज़रूरत इंसान को, जितनी चीज़ों की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी अल्लाह ने ईजी और आसान कर दिया है। जिन चीज़ों की कम ज़रूरत है उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए ज़्यादा पैसा, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आशाइश के सामानों के लिए तो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हमें दरकार हैं अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए बिल्कुल आसान कर दी हैं और बहुत मुफ्त में और बहुत ही कम कीमत दे करके आसानी से वो चीज़ें हमें फराहम हो जाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बंदगी के लिए पैदा फरमाया है, गुलामी के लिए पैदा फरमाया है, गुलामी में बंदगी में जिस कदर हम होंगे पक्के, उसी कदर अपने खालिक व मालिक की नज़र में होंगे अच्छे, और गुलामी और बंदगी में जिस कदर हम होंगे कच्चे, उसी कदर अपने मालिक और खालिक की नज़र में होंगे लुच्चे। बंदगी, अल्लाह अकबर, तू बराए बंदगी है, याद रख बंदगी के लिए तू पैदा किया गया है। जब जैसे गुलाम अगर अपने मालिक पर एतराज करे तो मालिक को गुस्सा आता है, अच्छा ये मेरे ऊपर तनकीद करता है, ये मेरे ऊपर एतराज करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम बंदे अल्लाह के, हर लम्हा, हर लहजा बेशुमार नेमतें अल्लाह की हमारे ऊपर बरसती हैं, हम नेमतों को गिन नहीं सकते और फिर भी हम शिकायत करते हैं। दूसरे को अगर माल मिल गया, दूसरे को ओहदा मिल गया, दूसरे को इज्जत मिल गई तो हम उस पर जलने लगते हैं, हसद करने लगते हैं। हालांकि हमें यकीन है, हमें खूब मालूम है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहे दें जिसे चाहे ना दें, अल्लाह ने मुझे ये चीज़ नहीं दी, इसमें उसकी हिकमत और मसलहत है, मैं नहीं समझ पाता। फलां को दिया, उसमें अल्लाह की क्या हिकमत और मसलहत है मुझे नहीं मालूम है। हाँ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के फैसले पर एतराज मत करो, जिसको अल्लाह ने दिया है उससे जलो मत, उसके सामने रोड़ा मत अटकाओ, उसके सामने उसकी दुश्मनी पर मत आओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह नाराज होगा, क्योंकि हमने अल्लाह के इस अमल पर गोया एतराज किया है कि क्यों उसको दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। हाँ, अल्लाह से उसका फजल मांगें, अल्लाह से जिस कदर मांगा जाता है उसी कदर अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह, बंदा अगर अपने एहतियाज को और अपनी फ़कीरी को, अपनी मोहताजी को अपने रब के सामने जब पेश करता है, अल्लाह खुश होता है कि मेरा बंदा जानता है कि उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर के हमें वो नेमत भी दे देते हैं, और कभी वो चीज़ नहीं देते जो हम मांगते हैं, उससे बढ़िया नेमत अल्लाह हमें दे देते हैं। और अगर दुनिया में नहीं मिली तो आखिरत में अल्लाह ताला उसका बदल ज़खीरा करके रखते हैं, वो जन्नत में मोमिनों को अता किया जाएगा। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी का मकसद है बंदगी। बंदगी में जिस कदर कमाल होगा उसी कदर हम अल्लाह की नज़र में महबूब होंगे। अल्लामा इकबाल ने जो शेर कहा है, सब लोग उसको आमतौर से पढ़ते हैं, लेकिन उसके मफहूम को समझिए, उसका मतलब क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या मतलब है, तुम अपनी हैसियत में रहकर जो तुम्हारा काम है उस काम में लगे रहो, अपनी औकात में रहकर अपने खालिक अपने मालिक की ताबेदारी करते रहो, जिसकी वजह से अपने मालिक की नज़र में तुमको इतनी बुलंदी, इतना रुतबा, इतना इतना दर्जा मिलेगा कि अल्लाह तुम्हारी तकदीर लिखते वक्त तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तकदीर लिखेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अपने को इतना बुलंद करो, यानी अपनी औकात के मुताबिक, अपने औकात को समझ करके, अपनी हैसियत के मुताबिक अपने खालिक और मालिक के अहकाम की बजाआवरी में इतनी मजबूती दिखाओ कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खालिक तुम्हारी ज़रूरतों को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, तुम्हारी चाहत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद ये पूछे कि बता तेरी क्या रज़ा है। चुनांचे बंदे की रज़ा के मुताबिक अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाते हैं। ये दर हकीकत उस हदीस पाक का मजमून है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि बंदा नवाफिल के ज़रिए मुझसे करीब होता रहता है, करीब होता रहता है, इतना करीब हो जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। मतलब ये है कि उसके हर अमल में मेरी तौफीक उसके साथ शामिल हो जाती है, हर काम उसका आसान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की तौफीक फिर उसके साथ लग जाती है। जब बंदे के साथ अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होती है तो मुश्किल से मुश्किल काम उसके लिए आसान हो जाता है, और जब अल्लाह की तौफीक हट जाती है तो आसान से आसान काम मुश्किल से, और मामूली से मामूली काम पहाड़ बन जाता है, मुश्किल बन जाता है। मेरे दोस्तों, मुश्किल को आसान कराना हमारे इख्तियार में है, पहाड़ को राई के बराबर करना हमारे इख्तियार में है। वो कैसे, हम अपने खालिक व मालिक के अहकाम पर अमल करते हुए, हराम से बचते हुए, उसके फ़राइज़ व वाजिबात पर अमल करते हुए, और उसकी तकदीर पर राज़ी रहते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा खालिक हमसे राज़ी रहेगा और हमारा हर काम बहुत आसानी से अंजाम पाएगा, और अल्लाह की तरफ से बरकतें ही बरकतें हमारी ज़िंदगियों में नज़र आएंगी। ज़िंदगी का मकसद हमारा बंदगी है। बंदगी में कमाल कैसे पैदा होगा, सोचने की बात है कि आखिर बंदगी में कमाल कैसे पैदा होगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपने कलाम की तफसीर करने वाला और अपने कलाम को बयान करने वाला बनाकर भेजा। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया, जो कुछ आपने अपनी 23 साल जिंदगी में अमल किया, वो सब का सब कुरान करीम का बयान और शरह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत, पूरी जिंदगी कुरान करीम का बयान और कुरान करीम का माना और मतलब है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को छोड़ देंगे तो कुरान समझ में नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कुरान की तफसीर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मरतबा, हदीस पाक मशहूर हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, तिर्मिदी शरीफ में यह हदीस है। इमाम तिर्मिदी इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया कि भाई देखो, मैं बड़ी कुछ अहम बातें कहने जा रहा हूँ। मैं याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात, फ़यामलु बिहिन्न औ युअल्लिमु मन यामलु बिहिन्न। तुम में से कौन है जो मेरी इन इम्पॉर्टेंट और अहम बातों को मुझसे ले ले ताकि उन पर खुद अमल करे या पहुंचा दे उन लोगों तक जो इस पर अमल करें। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा में आप देखिए तवज्जो दीजिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा में सबसे ज़्यादा नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बयान करने वाले सहाबी। किसी सहाबी को वो शरफ़ हासिल नहीं है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ। यहाँ बहुत से तलबा मौजूद हैं और देखो जिस कदर इल्म का हरीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु थे और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इल्म हासिल करने के लिए जितनी मशक्क़त बर्दाश्त की है अल्लाह पाक ने उसका सिला ये अता फरमाया कि सहाबा में सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें उनको याद थीं और सबसे ज़्यादा उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के पहुँचाने का उनको शरफ़ और इम्तियाज़ हासिल हुआ। खड़े हो गए, अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ, फरमाया जाए क्या हुक्म हो रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुअल्लिम थे, घोल कर पिला देते थे, बात लंबी नहीं करते थे, मुख्तसर बात करते थे, लेकिन कुछ ऐसा बैकग्राउंड और ऐसा पस मंज़र कायम करते थे कि बात सुनने वाले के दिल की गहराइयों में उतर जाती थी। दो बातें थीं, एक तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़हीम, बात के समझाने का अंदाज बड़ा अलबेला और बड़ा निराला होता था। दूसरी बात यह होती थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद दर्जा खैर ख्वाह थे। मुअल्लिम जिस कदर अपने शागिर्दों का खैर ख्वाह होगा और उनकी बेहतरी और उनकी भलाई और उनकी कामयाबी का दिलदादा होगा और दिल से वो जो बात कहेगा तो दिल से जो बात निकलती है वो डायरेक्ट दिल को छेदती हुई बात करती है, दिल के अंदर पहुंचती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात भी फरमाते थे वो इंतहाई खैर ख्वाही के तौर पर फरमाया करते थे, इसलिए सुनने वालों के दिल में वो बात बिल्कुल घर कर जाती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 बातें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, एक एक उंगली दबाते गए। नंबर 1, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन्नास, तुम बंदे हो ना, तुम्हारी बंदगी जिंदगी का मकसद बंदगी है ना, तो अगर अपनी ज़िंदगी के मकसद यानी बंदगी में कमाल चाहते हो तो एक काम करो कि जितनी चीज़ें हराम करार दी गई हैं हराम से परहेज़ कर लो, हराम से अपने आप को बचा लो, तुम लोगों में सबसे बढ़िया बंदे बन जाओगे। तकुन आबदन्नास, लोगों में सबसे अच्छे, सबसे कामिल, सबसे खूबसूरत अच्छे बंदे बन जाओगे। जो तुम्हारी ज़िंदगी का असल मेन मकसद है, अगर तुम मकसद में कामयाब होना चाहते हो तो याद रखो हराम से परहेज़ कर लो, हराम से बचना ही बंदगी का कमाल है जो हमारी असल तख्लीक का मकसद है। अल्लाह अकबर, क्या दीन इस्लाम में सिर्फ हरामों से बचना ही यही मेन चीज़ है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान पाक की तिलावत, दरूद, तस्बीह, ये तमाम काम करने के हैं, बहुत से काम करने के हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के कामों को बंदगी का कमाल के तौर पर पेश नहीं फरमाया बल्कि हराम से बचने को बंदगी का कमाल बताया। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हिकमत की बात फरमाते थे। और इस जुमले में आप गौर करेंगे तो सब कुछ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। जो काम करने के हैं फ़राइज़ व वाजिबात, और फ़राइज़ व वाजिबात इबादत से पहले सबसे अहम चीज़ है अक़ीदे की दुरुस्तगी। अक़ीदा हमारा अल्लाह पर ईमान होना चाहिए। अल्लाह कादिर मुतलक हैं, अल्लाह मुकम्मल हैं, अल्लाह जैसा कोई नहीं है और अल्लाह किसी की तरह नहीं है, हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए। बड़ा से बड़ा पैगंबर, वली, बुजुर्ग खुदाई सिफात का मालिक नहीं हो सकता। रोज़ी अल्लाह देगा, औलाद अल्लाह देगा, मुसीबत अल्लाह दूर करेंगे, बीमारी से शिफा अल्लाह देने वाले हैं, कोई वली, पैगंबर, बुजुर्ग, हकीम, डॉक्टर नहीं। जो भी इलाज के दर्जे में आप इख्तियार करते हैं, अल्लाह के हुक्म से ही दवा असर करती है, अल्लाह के हुक्म ही से झाड़ फूंक का भी असर होता है, अल्लाह के हुक्म ही से किसी की दुआ भी लगती है। करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। खुदा न खास्ता हमने अकीदा अगर गैरुल्लाह के साथ, गैरुल्लाह में अल्लाह की सिफात का अकीदा अगर हमने रखा तो इसका मतलब हम शिर्क में मुब्तला हो गए। और इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अजीम, याद रखो कि शिर्क अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में हो या अल्लाह की सिफात में हो, ये जुल्म अजीम है, बहुत बड़ा जुल्म है। यकीन मानो कि जुल्म इतना बड़ा, शिर्क इतना बड़ा जुल्म है कि अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह इस बात की तो माफ़ी नहीं, अल्लाह के यहाँ इस बात की तो माफ़ी नहीं है कि उसके साथ किसी को शरीक गर्दाना जाए। हाँ, दीगर बड़े बड़े गुनाह चाहे अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमा देंगे, शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह के यहाँ माफ़ी नहीं है ता वक्त कि इंसान तौबा ना करके। बहरहाल, तो सबसे पहले हमारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। तालीमुल इस्लाम बच्चों को पढ़ाया जाए, दीनी तालीम का रिसाला पढ़ाया जाए ताकि उनका अकीदा दुरुस्त रहे। अकीदा दुरुस्त रहेगा तो वो पक्का मुसलमान रहेगा। अकीदा खराब हो गया, कितनों ही पढ़ लिख करके इंजीनियर डॉक्टर हो जाए, सब कुछ हो जाए, अकीदा खराब हो गया तो अल्लाह की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं। हरामों से परहेज करो, फ़राइज़ वाजिबात, नमाज 5 वक्त की हर मुसलमान मोमिन मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज ना पढ़ना हराम है। नमाज मर्दों पर जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। जमात जानबूझ करके बिला उज़्र के छोड़ देना हराम और नाजायज़ है। तो ये जितने करने के काम हैं उनका करना ज़रूरी है, ना करना या कोताही करना हराम है। ये तो करने के काम खुद ब खुद आ गए। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान का दिल उनको करना चाहता है, इंसान का दिल उन चीज़ों की तरफ लपकता है, उन चीज़ों में इंसान को बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद और बड़ा लुत्फ़ आता है और साहब उनको वो करता है। गुनाह के जितने काम हैं मेरे दोस्तों, ये गुनाह करते वक्त बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। बदनजरी बदनिगाही करते वक्त औरतें मर्दों को, नामहरम मर्दों को देखें, मर्द नामहरम औरतों को देखें, ये देखते वक्त बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि इस बदनिगाही का अंजाम इतना बुरा होता है कि आंख से आंख लड़ती है, फिर इंसान गुनाह की तरफ जाता है और बदकारी में मुब्तला हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुद कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया है। क्यों? इसलिए कि निगाह इबलीस का तीर है। इसी निगाह की वजह से आदमी गलत जगह जब निगाह ले जाता है तो फिर उसके बाद गुनाह की तहरीक होती है। और अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो, अल्लाह अगर ना बचाएं तो समझ लो कि इंसान गुनाह में मुब्तला हो ही जाता है। इसलिए अपने आप को बदनजरी से, बदनिगाही से बचाने की ज़रूरत है। मुआशी वजह से पर्दे का हुक्म, अज़वाजे मुतहरात को पर्दे का हुक्म इसी वजह से दिया गया कि तुम पर्दा करो। हालांकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियां हैं, उनसे इस तरह के गुनाह का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको जो हुक्म दिया गया है पर्दा करने का, ताकि उम्मत की आम माएँ बेटियां भी पर्दे का अहतमाम करें। क्योंकि शैतान सबके साथ लगा हुआ होता है, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा वली ही क्यों ना हो। तन्हाई में इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ, कोई अजनबी मर्द कोई अजनबी औरत के साथ तन्हाई में मुलाकात ना करे। क्यों? इसलिए कि शैतान जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ता है, इस तरह से शैतान इन मर्द और औरत की रगों में दौड़ता रहता है। इसको उस पर मायल करेगा, उसको इस पर मायल करेगा, नतीजे के तौर पर बला और मुसीबत के शिकार हो सकते हैं, दोनों गुनाह में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों की पर एहतमाम करने की, इन चीज़ों पर तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है। तो गुनाह से परहेज़, हराम चीज़ों से परहेज को बंदगी का कमाल करार दिया गया। क्यों? ज़रा सोचने की बात है। हम बीमार, अल्लाह ना करे कोई बीमारी लगे, लेकिन बीमार जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर चेकअप वगैरह करके एक तो उसको दवा लिखता है, दवाएं देता है, उसके साथ ही एक लिस्ट ये भी देता है कि देखो ये चीज़ें मत खाना, ये सब तुम्हारे रोग के लिए नुकसानदेह हैं। तुम्हारी बीमारी में इससे नुकसान होगा। अब अगर मरीज अक्लमंद है तो दवा भी खाएगा, परहेज भी करेगा। परहेज करना आसान नहीं है, दवा खाना तो आसान है, परहेज करना बड़ा मुश्किल है। ये कुछ अजीब इंसान की नफ्सियात वाक़े हुई हैं। जिस चीज़ से आदमी को मना कर दिया जाता है, आदमी को उसी चीज़ के खाने का जी चाहता है। ये तबीयत है इंसान की। शुगर के मरीज को मीठा खाने का जी चाहेगा। मैदा जिसका ख़राब है तो उसको तेल मसाला में बड़ा मज़ा आएगा। तेल मसाला, पकौड़ी, छनी हुई चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं हकीम डॉक्टर मना करते हैं, ये उसके लिए पेट के लिए नुकसानदेह है, लेकिन वही चीज़ें उसे खाने का जी चाहेगा। मरीज़ अगर अक्लमंद है, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अगर परहेज करेगा तो दवा सूट करेगी। मरीज़ अगर नादान है, परहेज नहीं करेगा, दवा खाता रहेगा, या तो बीमारी जाएगी नहीं या बहुत सुस्त रफ्तारी से बीमारी जाएगी। मालूम यह हुआ। ठीक इसी तरीके से मेरे दोस्तों, हम सब के सब रूहानी मरीज हैं और हम सब का वतन असली जन्नत है। हमें अपने वतन असली जन्नत जाना है, लेकिन अल्लाह पाक ने जन्नत को घेर दिया है ख्वाहिशात और शहवात के ज़रिए से, और इसके मुकाबले एक और ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ने उसको घेर दिया है लज्जतदार और गुनाह के चीज़ों से, कि गुनाहों के काम हमें करने में उसमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ी लज्जत आती है, बड़ा लुत्फ़ आता है, लेकिन जब उसको करेंगे तो जहन्नम वाजिब होती है। बरखिलाफ जन्नत के, कि जन्नत में पहुंचाने वाले जो काम हैं करते वक्त उस अमल में ज़रा तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन अगर बंदा अपनी हिम्मत करके वो काम कर जाता है तो फिर उसको रूह को भी सुकून मिलता है और हमेशा हमेशा की जन्नत उसको मिलती है। तो हराम से परहेज करो। परहेज करना ये मुश्किल है, दवा खाना आसान है। मेरे दोस्तों, जब हम परहेज करेंगे तो दवाएं भी फायदा करेंगी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हम करते हैं, लेकिन इसका हमारी ज़िंदगियों पर कोई असर नहीं होता। वजह यह है कि हम बदनज़री के शिकार हैं। हम एक तरफ सूद भी लेते हैं, हम झूठ भी सूदी कर्ज ले लेते हैं या सूद खा भी लेते हैं, हम जो है सट्टा भी लगा लेते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं। इसी तरीके से हम बदनज़री कर लेते हैं, या कोई भी गुनाह का मौका आता है, शराब, नशाखोरी, अल्लाह अकबर, मुआशरे का नासूर है। पहले ज़माने में तो शराब खानों में लोग जा करके शराब पीते थे, तो ज़रा देखते थे कि गांव का कोई आदमी तो नहीं देख रहा है, थोड़ा कुछ लिहाज पास होता था। अब तो शराब खानों में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। टेबलेट की शक्ल में, कैप्सूल की शक्ल में नशा आवर चीज़ें मुहैया होती हैं। हमारा बच्चा, हमारा लड़का पान की दुकान पे जाता है और साहब लोग समझ रहे हैं कि पान ले रहा होगा, वहाँ उसने जो है गुटखे के बहाने कुछ और नशा आवर चीज़ें ले ली और मुंह में डबाया, चल दिया। नशा उम्मुल खबाइस है, शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़ है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर के समझाया है कि जब कि बनु इसराइल में एक शख्स था, उसको एक बादशाह ने बुलाया और कहा कि देखो, तीन काम, चार आफर हैं तुम्हारे लिए। एक तो ये कि एक आदमी है, इसको तुम्हें कत्ल करना है, नाहक इसे कत्ल करना है। ये एक औरत है, इसके साथ तुम्हें मुंह काला करना है, जिनाकारी करनी है। और साहब नहीं, ये शराब रखी है, शराब पीना है, नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। चार रास्ता है, या तो इस शख्स को तुम कत्ल करो, या तुम इस औरत के साथ बदकारी करो, या तुम जो है इस शराब में से पियो, नहीं तो हम तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। उसने ये सोचा कि इन चारों में से आसान तो यही है कि मैं शराब ही पी लूँ, क्यों मैं किसी को कत्ल करूँ, क्यों मैं इस औरत के साथ बदकारी करूँ, और क्यों जो है मैं कत्ल हूँ, नहीं मुझे मेरी जान अजीज़ है, मैं ऐसा करता हूँ कि चलो ये शराब में से शराब पी लेता हूँ। उसने शराब पी, नशा चढ़ा, ज़मीन आसमान एक हो गया। अब जब आदमी हराम खाता है तो हरामकारी की सूझती है उसको, चुनांचे उस नशे में आकर उसने औरत पर दस्तराजी की और बदकारी करनी चाहिए। सामने वो आदमी जो था जिसको कत्ल करने के लिए कहा गया था, वो रुकावट बन गया कि खबरदार जो तुमने इसको हाथ लगाया, नशा चढ़ गया है। अपने काबू से बाहर हैं। चुनांचे उसने पहले उस आदमी को कत्ल किया, उसने उस आदमी को कत्ल किया, उसके बाद फिर जो है उस औरत के साथ उसने मुंह काला किया। और जब उसने एक शख्स को कत्ल किया था, एक औरत से बदकारी की थी, नतीजे के तौर पर उसके जुर्म में उसको भी कत्ल कर दिया गया। बताइए कि जिस गुनाह को उसने सबसे हल्का जाना था वो तमाम गुनाहों की जड़ हो गई। इसलिए फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शराब उम्मुल खबाइस है, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल जो है ये मुआशरे का नासूर है, मुआशरे का नासूर है। मेरे भाइयों और दोस्तों, यहाँ मुरब्बी हजरात मौजूद हैं, जिम्मेदारान मौजूद हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि घरों में इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो ख़राब होती है इस नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से होती है। आदमी नशा करता है, आपे से बाहर होता है, घर में आता है, नमक फीका नमक तेज़, बीवी की पिटाई करने लगता है और फिर उस पर मुज़ाहमत होती है, बात बिगड़ती है, नतीजे के तौर पर तलाक हो जाती है। कुछ बच्चे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब, इनका मुस्तकबिल खराब, उनका मुस्तकबिल खराब, दोनों खानदानों के अंदर लाठी निकल आती है। चुनांचे गांव का गांव जो है वो लड़ाई में शिकार होता है। मुसीबत एक बड़ी मुसीबत होती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल इतना नजीर, इतना नुकसानदेह है। हराम से बच जाओगे, हराम से अगर बच जाओगे, खुदाए पाक की कसम, जो काम करने के हैं वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आ जाएंगे। हराम से अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो हमारी इबादतों के अंदर जी नहीं लगेगा और नमाजों के अंदर भी हमें जी नहीं लगेगा। एक बहुत बड़ी बात बताऊं, हमारे अकाबिर अहलुल्लाह बार बार फरमाते हैं, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को फरमाया, हलाल रोज़ी कमाओगे, हलाल रोज़ी खाओगे तो अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत की तौफीक होगी, नेक अमल करने की तौफीक होगी। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो हलाल तय्यब पाकीज़ा रोज़ी खाओ तो क्या होगा, फिर फ़ायदा ये होगा कि वअमलू सालिहा, फिर करो ना नेक अमल। मालूम ये हुआ कि अक्ल हलाल, हलाल कमाई खाने से जहनो दिमाग के अंदर पाकीज़गी पैदा होती है और इंसान की तबीयत नेक अमल की तरफ चलती है। और आदमी अगर हराम रोज़ी हराम कमाई खाता है तो उसके नतीजे में हराम के अंदर एक नहुसत होती है, हराम खाएगा तो हराम कारी की उसे सूझेगी और फिर दूसरे तमाम गुनाहों में वो मुब्तला होता है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें अपनी कमाइयों का जायज़ा लेना चाहिए। हलाल थोड़ा हो उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, हराम ज़्यादा हो उसमें बरकत नहीं है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, यमहक़ुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ने सूद के अंदर बेबरकती रखी है और सदका और खैरात में अल्लाह ने बरकत रखी है। सदका खैरात में लगता है कि हमारा जेब हल्का हो रहा है, लेकिन उससे किसी मिस्कीन का पेट भरेगा, जिसका घर जो चूल्हा जिसका बुझा हुआ है उसका चूल्हा जलेगा, उसके दिल से दुआ निकलेगी। और अल्लाह की मखलूक के दिल से जो दुआ निकलेगी तो वो दुआ अर्श तक पहुँचेगी और उसके साथ भला करने वाले का भला होगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हलाल तय्यब पाकीज़ा रिस्क का एहतमाम करें, हराम से परहेज़ करें। अल्लाह हम सबको हराम से बचाए और हलाल की तौफीक अता फरमाए। तो इत्तक़िल महारिम, हराम चीज़ों से बच जाओ तो तुम सबसे अच्छे कामिल बंदे बन जाओगे। एक बात, दूसरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई, आए है वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। हम में से कौन है जो चाहता नहीं है कि मालदार हो जाए? कोई चाहेगा भाई मैं फकीर रहूं, दूसरे के सामने हाथ फैलाऊं? नहीं, हर शख्स की ये ख्वाहिश रहती है कि मुझे खूब माल दौलत रहे, मैं किसी से किसी का मोहताज मैं न रहूं। सुनो सुनो, मोहताजगी और फ़कीरी दर हकीकत दिल की मोहताजगी और फ़कीरी का नाम है, इसको कनाअत। अगर दिल हमारा मुतमईन हो गया, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दे दिया दुनिया के ताल्लुक से उस पर तुम मगन हो जाओ, खुश हो जाओ, राजी हो जाओ और ये समझो कि मैं तो एक कमीन बंदा हूँ, मेरा क्या हक था मेरे मालिक पर, उसने जो कुछ दिया उसका करम, उसका फजल है। जब हम अल्लाह की नेमतें जो भी हमारे पास हैं उस पर हम अल्लाह का इनाम समझकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और नेमत का सही इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर अल्लाह का वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर हमारी नेमतों का तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम बढ़ाएंगे और ज़रूर बढ़ाएंगे, और अगर तुम मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरी पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह नेमत छीन भी लेंगे, उल्टे अल्लाह मुसीबत में भी मुब्तला फरमा देंगे। अल्लाह को नाशुक्री बहुत नापसंद है। तो कनाअत इसको कहते हैं, जितना मुझे मिल गया मेरे मालिक, मैं तो इस कमीन, इतना कमीन हूं कि मैं तो इसके भी लायक नहीं था, आपने अपने फजल से ये मुझे दिया है। तो जो भी माल मिला, जो नेमतें मिली, जो औलाद मिली, जो इज्जत मिली, जो दर्जा मिला, उस पर अल्लाह की नेमत जानकर उस पर शुक्र अदा किया जाए, नेमत का सही इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह खुश होंगे, नेमतें बढ़ाते चले जाएंगे। नाशुक्री अगर की जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा फ़कीरी में मुब्तला करते चले जाएंगे। क़नाअत, जितना हमें मिला उस पर हमें अगर सब्र और सुकून हो गया, खुदाए पाक की कसम इसको कनाअत कहते हैं। इन्नल गिना गिनल कल्ब, हकीकी मालदारी तो दिल की मालदारी है। अगर दिल का सुकून नसीब हो गया, कनाअत मिल गई, झोपड़ी में रह करके इंसान बादशाह है। कनाअत की दौलत अगर नहीं मिली तो टाटा और बिल्ला के खजाने पाने के बावजूद भी फ़कीर है, फ़कीर। तो अगर तुम चाहते हो कि लोगों में सबसे अच्छे मालदार बन जाओ तो गनाअत समझ लो कि तो इस दिल को मना लो, समझा लो कि मुझे जो मिला है मेरी औकात से ज़्यादा मिला है और इस पर मैं बहुत राज़ी और खुश हूँ। तो ये है असल सुकून। फिर इस पर खूब मिलेगा, खूब मिलेगा, और अगर इसके अपोजिट, इसके बरअक्स रविश हमने इख्तियार की, और मिले और मिले, जो मिला है उस पर भी हम शिकायत कर रहे हैं, क्या हुआ यार ये भी तो कुछ नहीं है, ये भी तो कुछ नहीं है, ये भी तो कुछ नहीं है। जब अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की जाएगी अल्लाह नाराज़ होंगे, जो कुछ होगा वो भी हमसे छीन लिया जाएगा और हमको उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। तीसरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि देखो आदमी गुनाह क्यों करता है, अल्लाह के हुक्मों को क्यों तोड़ता है या किसी बंदे पर जुल्म क्यों करता है। बात यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, देखिए माशरे और समाज के अंदर अगर अमन होगा, चैन सुकून होगा तो इंसान बंदों के हक़ को भी अदा करेगा, अल्लाह के हक़ को भी अदा करेगा। अपने बीवी बच्चों के लिए सुकून से कमाई कर सकता है जब अमन और सुकून रहेगा, और अगर बेचैनी और बदअमनी रहेगी तो ना वो दुनिया के काम कर सकता है और ना आखिरत के और दीन के काम कर सकता है। इसके लिए समाज के अंदर अमन और सुकून का होना ज़रूरी है, और अमन और सुकून कायम करने के लिए दो काम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। एक तो पड़ोसियों का हक अदा करना है, अहसिन इला जारी का तकुम मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करो, तुम कामिल दर्जे के मोमिन, बड़े इत्मीनान सुकून वाले बन जाओगे। और दूसरी बात फरमाई कि वह अहिब्ब ले अखीका मा तुहिब्बु ले नफ्सिका तकुम मुस्लिमा, दीन और दुनिया की जो अच्छाई बेहतरी तुम अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो, तुम सही मानों में बहुत पक्के मुसलमान बन जाओगे। तो याद रखो अगर हर भाई अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, हमारा मामला क्या है, हम खुद गर्जे हो गए हैं, मेरा मकान सही हो जाए चाहे उसके लिए एक बालिश्त ज़मीन पड़ोसी में के ज़मीन में से मुझे हड़प करने को न करनी पड़े, चुनांचे नींव खुदवा देते हैं और जल्दी जल्दी नींव उठा लिया जाता है क्योंकि मेरा मकान सही नक्शा उसका नहीं बन पा रहा है जब तक कि एक बालिश्त ज़मीन जो है पड़ोसी की ज़मीन में से हम नहीं दबा लेते हैं। खेती करते हैं, आप तो काश्तकार हैं, जानते हैं एक खेत वाला जब अपना खेत जोतता है तो अपना ट्रैक्टर इतना तेज लेके भागता है कि वो पूरी मेड़ जो होती है जो दोनों खेतों के दरमियान होते हैं उसको भी जो जोत डालता है। अब उसके बाद फिर जो बाद में लेकर के जो है थोड़ा सा हट करके मेड़ बढ़ा दी जाती है, बेचारा बाद वाला आदमी आता है तो लगता है कि मेरी ज़मीन में से कुछ जो है इन्होंने ले लिया, अब क्या करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बालिश्त अगर ज़मीन किसी की हड़प की है किसी ने तो कल क़यामत के दिन सातों ज़मीनों तक का पूरा बोझ उठाकर उसके कंधे पर लादा जाएगा, मामूली चीज़ नहीं है। बहरहाल मेरे दोस्तों, पड़ोसी का हक अदा करे। हर पड़ोसी जब दूसरे पड़ोसी का हक अदा करे, पड़ोसी होने के नाते, चाहे वो बिरादरी का हो दूसरी बिरादरी का हो, मुस्लिम हो नान मुस्लिम हो, अपने मजहब का हो दूसरे मजहब का हो, पड़ोसी होने के नाते उसका हमारे ऊपर हक रखा गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कसम खुदा की यानी कसम खा करके फरमाया है कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जिसके पड़ोसी को उसकी तरफ से तकलीफ पहुंच रही हो। अब आप सोचिए, हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का जब इसी तरह ख्याल रखेगा तो ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई मुकदमाबाजी होगी, ना कोई जो है सरफुटौल होगी, कितनी चैन सुकून की जिंदगी गुजरेगी। हम एक दूसरे अपने भाइयों से हसद करने लगते हैं, जलन उनके तरफ से होती है। हालांकि हमें यह तालीम दी गई है कि दीन हो या दुनिया, दीन के मामले में भी अगर अल्लाह ने हमें दीनदार बनाया है तो हम अपने दूसरे भाइयों को दीनदार बनाने की फिक्र करनी चाहिए। जैसा कि तबलीगी जमात के लोग हमारे भाई जो हैं बेचारे कंधे पर हाथ रख करके घर घर जा करके ठुड्डी में हाथ डाल करके खुशामदें कर करके मस्जिद में लाते हैं, क्या उनको मिलता है? क्या वो उसका दुनिया कमा लेंगे इसके ज़रिए से? सिवाय इसके कि वो अल्लाह के हुक्म की तामील चाहते हैं और अपने भाई को चाहते हैं जैसे अल्लाह ने मुझे नमाज की तौफीक अता फरमाई है तो मेरे भाई को भी ये नमाज की तौफीक मिल जाए। तो दीन हो या दुनिया, दुनिया के सिलसिले में भी अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है तो अगर हमारा कोई भाई कमजोर है तो अगर हमारे बस में हो कि हम अपना माल खर्च करके अपनी तरफ से किसी के यहाँ सिफारिश करके अपनी इज्जत का इस्तेमाल करके अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके अगर हम इसकी दुनिया बना सकें तो हमें उसमें दरेग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई शख्स अपने भाई की मदद के लिए आता है तो उसके और जहन्नम के दरमियान 7 खंदकें हायल हो जाती हैं, चुनांचे जहन्नम से वो इतना दूर कर दिया जाता है सिर्फ इस कार्य सवाब की वजह से कि वो अपने भाई के काम में लगा और अपने भाई की ज़रूरत को उसने अपनी ज़रूरत समझी। मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज सुधार ऐसे उसूल और ऐसे नियम बताए हैं कि अगर हर भाई दूसरे भाई का, चाहे वो दीनी भाई हो, बिरादरी का भाई हो, रिश्ते का भाई हो या इंसानी नाते वो हमारा भाई हो, जब हर भाई दूसरे भाई के का खैर ख्वाह होगा। हदीस में आता है कि जब बंदा अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है तो रहमत का फरिश्ता वहां का दुआ करता है, वलका मिस्लु दालिक, वलका मिस्लु दालिक, अरे तू इस खैर से क्यों महरूम रहे, तू अपने भाई के लिए ये खैर मांग रहा है, तुझे भी अल्लाह ये खैर अता फरमाए। जब हम दूसरों के हक में खुला हुआ दिल रखेंगे, हसद नहीं करेंगे, तंग दिल नहीं होंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे, तो उस वक्त अल्लाह की रहमत उतरेगी। हमारे ऊपर मुसीबतें बलाएं आने जो आती हैं उनके असबाब में से ये सबब यह है कि हम खुद अपने भाइयों की टांग खींचने में लगे हुए हैं, हम खुद अपने भाइयों के से हसद करते हैं, दूसरों की तरक्की हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, दूसरों का भला हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। जब हम खुद अल्लाह की मखलूक के साथ इस तरीके से तंगी का मामला करेंगे तो याद रखो अहकमुल हाकिमीन, हमारे दिलों पर वाकिफ है अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तंगी का फैसला होता है, इसका सबब हम खुद हैं। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें उतरती हैं तुम्हारे हाथ के करतूतों के नतीजे में तुम्हारी काले करतूतों का वो खमियाजा हुआ करती हैं। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अल्लाह अकबर, ला तुक्सिरी ज़हक फ़इन्न कसरत ज़हक तुमीतुल क़ल्ब, मत ज़्यादा हंसा करो, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। क्या मतलब? लहवो लाइब की चीज़ें, लहवो लाइब की चीज़ें, नाच गाने ठट्ठे सिनेमा सर्कस और ड्रामे, ये जो चीज़ें हैं इनमें हमारा नौजवान बहुत बुरी तरह से मुब्तला हो गया है। पहले ज़माने में तो सिनेमा हाल हुआ करते थे और यहाँ से आदमी जाता था किशनगंज मसलन, और वो भी जा करके जो है इधर उधर दाएं बाएं देखता था, कोई मसला नहीं है। अब तो मसला यह है कि हर शख्स के हाथ में पूरा सिनेमा हाल है, और सिर्फ सिनेमा हाल नहीं है, इंतहाई फहश किस्म की, घिनौनी किस्म की उसमें मूवीज होती हैं। चुनांचे कंबल डाला मुंह पर और साहब अपना मूवीज देखना शुरू किया। जब हमारा नौजवान इस तरह से गलत मूवीज देखते हुए उसकी नींद आएगी और उस हाथ में वो सोएगा, सारी रात आवारा ख्यालात में उसके गुजरेगी और नतीजे के तौर पर सुबह को जो है या तो देर से उठेगा और उठने के बाद भी उन्हीं ख्यालात और तस्वुरात में खुल रहेगा और उसी के मुताबिक उसके हाथ पांव चलेंगे, गुनाहों की तरफ वो चलेंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बच्चों, अपने आप को संभालो और घर के जिम्मेदारों, अपनी बच्चों को अपनी औलाद की फिक्र कर लो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेंगे, फूल सी औलाद मैंने तुम्हें दिया था, बड़ी ज़हीन औलाद मैंने तुम्हें दिया था, हसीन व जमील औलाद हमने तुम्हें दी थी, लेकिन तुमने उनकी तरबियत नहीं की, आवारा छोड़ दिया और गलत लाइन उन्होंने इख्तियार की, जिसके नतीजे में जो उनकी बदअमली होगी उस बदअमली का खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, दिल जब सख्त हो जाता है, गुनाहों के करने की वजह से दिल सख्त हो जाता है, दिल जब सख्त हो जाता है तो कोई खैर की बात असर नहीं करती। ला तुकसिरी ज़हक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं कि हंसी मजाक और गफलत आलूदा माहौल से अपने आप को बचाओ। गफलत पैदा करने वाले माहौल से जब अपने आप को बचाओगे, दिल जो है तुम्हारे महफूज रहेंगे, तो फिर इस दिल से खैर की तलकीन होगी और खैर के काम का सुदूर होगा। और उसके बरखिलाफ जब दिल सख्त हो जाएगा, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम में बैठोगे भी, एक कान से सुनोगे सीधे दूसरे कान से निकल जाएगी, मौलवी की तकरीर सुनोगे एक कान से सुन करके दूसरे कान से सीधे निकल जाएगी। मेरे दोस्तों, दिलों की हिफाजत करनी बहुत ज़रूरी है। दिल की हिफाजत कैसे होगी? देखो, दूध का धोया हुआ कोई नहीं, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी अपने आप को, हत्ता कि हज़रत यूसुफ अला नबी ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर हैं, वो खुद कह रहे हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स हर एक के साथ लगा हुआ है, मैं अपने नफ्स को कोई बहुत पवित्र और पारसा नहीं करार दे सकता, वो तो है ही बुराइयों पर बलंगेख्ता करने वाला। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हम अल्लाह ने हमें तक उसकी तदबीर बताई है कि दिल वालों की सोहबत इख्तियार करो। हमारा दिल सख्त हो गया है, अल्लाह वाले मौजूद हैं, अहलुल्लाह सालिहीन मौजूद हैं और हर जमाने में रहेंगे। जब हम उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे तो जैसे खरबूजा खरबूजे से रंग पकड़ता है, दिल वालों की सोहबत, नेक सालिहीन की सोहबत हम इख्तियार करेंगे तो उनकी सोहबत में रहने की वजह से उनके असरात हमारे दिल के अंदर आएंगे और हमारे दिल के अंदर भी नरमी पैदा होगी और हमारा दिल भी हमें नमाज की तरफ उकसाएगा, हमारा दिल भी गुनाहों से हमें नफरी करेगा और नेक आमाल की तहरीक पैदा होगी। बरखिलाफ हम अगर लुच्चे लफंगे और हाहा हूहू ठट्ठा करने वाले या गलत किरदार के लोगों की सोहबत अगर अख्तियार करेंगे तो जैसी सोहबत होती है उसके असरात होते हैं। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद, नेकों की सोहबत नेक बनाएगी, बुरों की सोहबत बुरी बनाएगी। इसलिए अच्छी सोहबत हम इख्तियार करें और अपने बच्चों को अच्छों के पास पे भेजें। अच्छों के पास भेजने की शक्ल ये है कि मदरसों में अपने बच्चों को भेजें, जहाँ कुरान करीम की तालीम होती है, हदीस की तालीम होती है, मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की तालीम होती है। एक इंसान कैसा इंसान होना चाहिए, इंसानी हमदर्दी क्या चीज़ होती है, इंसानी हमदर्दी, छोटे बड़ों के हुकूक जहाँ सिखाए जाते हैं, इन मदरसों के अंदर ये चीज़ होती है। स्कूलों और कॉलेजों में तो खुदगर्जी सिखाई जाती है। खुदगर्जी का मतलब जानते हैं, हुनर सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, यानी ये काम करके मेरा भला होगा, मेरा मुस्तकबिल बुलंद होगा, आइंदा मैं बड़ा हॉस्पिटल कायम करके और साहब खूब लोगों से जो है अपना इस रिफाह आम के नाम पर खूब जो है अपनी जेबें भरूंगा। आदमी ये जो पढ़ना, ठीक है दुनिया कमाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इंसानियत का खून करके, खुदगरज बन करके, मतलबी बन करके अगर हम हुनर कमाएंगे तो याद रखो हम बदतरीन इंसान होंगे। हम अच्छे इंसान उस वक्त होंगे जब बंदगाने खुदा की खैर ख्वाही हमारे पेश नज़र होगी। तूबा लिमन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर, काबिल बशारत है वो बंदा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने खैर की चाबी बनाई है और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने का ज़रिया बनाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को खैर की तौफीक दे देते हैं वो बंदा काबिल बशारत है, उसको जन्नत का की बशारत दी गई है। बहरहाल मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है बड़ी जामे बात है। क्या? हराम चीज़ों से अपने आप को बचा लो, तुम कामिल और अच्छे बंदे बन जाओगे। नंबर 2, वर्ज़ बिमा कसम अल्लाह लका, अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क अता फरमाया है, जो बांट कर दे दिया है, उस पर मगन हो जाओ, खुश हो जाओ, लोगों में सबसे मालदार हो जाओगे। पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, तुम मोमिन कामिल बन जाओगे। और अपने भाई के लिए दीन और दुनिया की वो बेहतरी पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तुम सही मानों में सच्चे पक्के अच्छे मुसलमान बन जाओगे। और लहवो लइब और गफलत आमेज माहौल से अपने आप को बचा करके रखो, क्योंकि जब दिल सख्त हो जाता है तो दिल सख्त हो जाने के बाद कोई खैर की बात उसमें अमल नहीं करती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 5 अनमोल नसीहतें अल्लाह करे मेरी ज़िंदगी के लिए इनकलाब का सबब बन जाएं, हम सब की ज़िंदगियों के लिए इसके ज़रिए से इनकलाब आ जाए। अमल करने के लिए थोड़ी सी भी बात काफ़ी होती है, ज़्यादा अब जी मुझे अफसोस हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा और यहाँ दुकानें और तमाम दुकानों पे मजमा यहाँ कम मौजूद है, दुकानों पे मजमा ज़्यादा है। या अल्लाह, ये मेला है या कोई दीनी जलसा है, अल्लाह इन जलसों की भी इसलाह की भी कोई शक्ल पैदा फरमा दे। और हमारे इन उलमाए किराम को अल्लाह ये सर जोड़ कर मिल बैठ कर ज़रा इस तवाज़ व तज़कीर का कोई नया तरीक़ा इख्तियार करने की अल्लाह इन्हें तौफ़ीक़ दे दे, ताकि ये जो मफासिद और बुराइयाँ हैं इन मफासिद और बुराइयों का खात्मा हो जाए। क्योंकि जिस खैर के साथ शर और बुराई उसके साथ लगी हुई हो वो फिर खैर खैर नहीं रह जाता, उस पर जो है वो शर गालिब आ जाती है। एक गिलास पानी में एक कतरा पेशाब का पूरे पानी को नापाक कर देता है, अब वो पूरा गिलास नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए इन मुनकरात व फवाहिश और इन चीज़ों से हमें बचाने के लिए कोई ऐसा शरीका इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें ये मुनकरात ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी मर्जियात के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।